सहरसा एक ऐसा नाम है जो सहरसा के सरजमी पे पिछले कई महीनों से चल रहा है। जो रोटी बैंक सहरसा गरीब मजलूम बेसहारे के कान में रोटी बैंक सहरसा का जैसे ही नाम जाता है उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। ये प्रत्येक दिन रोटी बैंक सहरसा गरीब मजलूम बेसहारों के बीच अन्न बांटते हैं और उन्हें भोजन प्रदान करते हैं। ये एक नया पहल है। अभी आप देख सकते हैं, अभी हम मौजूद हैं जिला मुख्यालय सहरसा के डीवी रोड जेआईटी एकेडमी में। यहाँ रोटी बैंक सहरसा के द्वारा लोगों के सहयोग से, स्थानीय लोगों के सहयोग से तेल, चावल, नमक और भी जो भी खाना बनाने की सामग्री होती है वो यहाँ दिया जाता है। और शहर के युवा जो रोटी बैंक सहरसा में पिछले कई महीनों से कदमताल कर रहे हैं वो यहाँ खुद से खाना बनाते हैं। जो ताज़ा खाना है हम आपको यहाँ अभी हाल दिखाएंगे। जो यहाँ युवा हैं ये खाना बना रहे हैं और ये खाना बनाने का प्रोसेस ये पिछले 2 घंटे से लगे हुए हैं इसमें। ये खाना अब लगभग बन चुका है। अब यहाँ से ये खाना उठा के युवाओं को जो टीम है रोटी बैंक सहरसा की जो टीम है वो स्थानीय रेलवे जंक्शन पे जाएगी और वहाँ गरीब मजलूम बेसहाराओं के बीच ये भोजन का वितरण करेगी। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे साथ रोटी बैंक सहरसा के राहुल गौरव मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हम अपने कैमरेमैन को कहेंगे जरा करीने से दिखाएं ये ताज़ा जो गर्मा गर्म ये जो खिचड़ी बना हुआ है ये कुछ ही देर में सहरसा जंक्शन पे युवाओं के टीम लेके पहुँचेगी और वहाँ वो वितरण करेगी। तो हम बात करना चाहेंगे, यहाँ जो मौजूद हैं रोटी बैंक के युवा साथी हैं राहुल गौरव जी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये आप लोग एक बेहतरीन पहल कर रहे हैं, किस हिसाब से इसमें आपको सहयोग मिल रहा है और इस काम को आप कहाँ तक अंजाम दे पा रहे हैं? समाज के अलग अलग लोगों के द्वारा यहाँ पर राशन पहुँचाया जाता है। इस राशन को कलेक्ट करने हम लोग खुद जाते हैं और उस राशन को हम लोग यहाँ पर रोज यहाँ शाम में खाना उसका बनाते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर सब्जियाँ रखी हुई हैं, वहाँ मसाले हैं और हमारे स्टोर रूम में भी सामान रखा हुआ है जो हमारे मित्र लोग जाके लोगों से मांगते हैं कि गरीब और बेसहारे लोगों के लिए खाना बन सके रोज यहाँ पर। तो ये राहुल गौरव थे जिन्होंने बताया स्थानीय लोगों का सहयोग होता है और जो भी हमारे रोटी बैंक सहरसा की टीम में जो भी लोग हैं, जो भी युवा साथी हैं वो स्थानीय लोगों से सहयोग करके दाल चावल तेल करके नमक करके यहाँ एक एक जगह उनको जुगत में ला के यहाँ खाना बनता है। तो प्रत्येक दिन इन लोगों का इस तरह का नया पहल चलता है। तो रोटी बैंक सहरसा के हमारे साथ रोशन जी भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक नया पहल आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है पिछले कई महीनों से, तो इस तरह के कार्यक्रम करके आपको आप समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम समाज के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आपने जो भी चीज़ लिया है, जो भी आपके घर में संपन्नता है तो वो समाज के कारण ही है, तो अपना कुछ अंशदान समाज के ऐसे वंचित लोगों के लिए भी कीजिए जिन्हें एक वक्त का भोजन नसीब नहीं हो पाता है, जिनके जीवन में अभी खुशहाली नहीं आई है, जिनके लिए वास्तविक गणतंत्र नहीं आया है, उन लोगों के लिए भी आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिए ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान आ सके। क्या नाम हो? रोशन कुमार भगत, रोटी बैंक सहरसा। ये रोटी बैंक सहरसा के रोशन कुमार भगत थे जो शुरू से कदमताल कर रहे हैं ये नया पहल में। और रोटी बैंक का एक सपना है और एक उद्देश्य भी है समाज के लोगों के लिए कि थाली में इतना ही लें जितना आप खा सकें। रोटी बैंक ये सहरसा ये कहती है कि थाली में आप इतना लें जो कूड़ेदान में नहीं जा सके। और रोटी बैंक सहरसा समाज से भी अपील कर रही है कि निरंतर इस तरह के प्रयास को एक लंबे रेस का घोड़ा बनाया जाए और भूखे बेसहारे को प्रत्येक दिन रोटी बैंक सहरसा स्थानीय लोगों, समाज के लोगों के सहयोग से उन्हें भोजन मुयस्सर करा सके। तो नजरिया न्यूज़ से मोहम्मद जरुद्दीन, सहरसा।